एवरीवन टू माय चैनल पीआर एडवाइजर्स। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा ओंटारियो इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम की। तो आफ्टर एनओआई जब आपको अप्लाई करना होता है ओआईएनपी में, तो आपको एक कंडीशन रहती है ईसीए की। सो अगर आपने वेस करवा रखी है तो आपको ओआईएनपी को वेस का एक रिसिपिएंट बनाना पड़ेगा। तो वो कैसे बनाएंगे वो मैं आज को बताऊँगा, और ये कंडीशन ज़रूरी है। आपको करना क्या होगा, आपको वेस अपने वेस में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको जाना होगा इनिशियल एप्लीकेशन ऑर्डर में, और नीचे लिखा होगा ऑर्डर डुप्लीकेट आईआरसीसी। आपको डुप्लीकेट आईआरसीसी पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको इमिग्रेशन पे क्लिक करके नेक्स्ट पे जाना होगा। नेक्स्ट पे जाने के बाद वो पूछेगा रेसिपिएंट यू, तो आपको कॉपी नहीं चाहिए, आपके पास ऑलरेडी है, तो नो। सेकंड रेसिपिएंट आप इसको डिलीट कर सकते हो क्योंकि आपने ऑलरेडी ही आईआरसीसी को भेज दी है, तो इसको बाद में डिलीट करेंगे, पहले ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पे आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे ओंटारियो इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम, नीचे मिल जाएगा आपको, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद आप इसको आईआरसीसी को डिलीट कर सकते हो क्योंकि ऑलरेडी आपने सेंड कर रखी है। कंफर्म करें, उसके बाद आप नेक्स्ट करोगे तो ये फीस रहेगी $10 की, जो डिलीवरी की फ़ीस रहेगी। तो आप नेक्स्ट करोगे और $10 पे करोगे तो ये विद इन अ डे और टू उनके पास चली जाती है। तो आपको ये करना ज़रूरी है अगर आप ओएनपी में अप्लाई कर रहे हो। तो ये था वीडियो ओएनपी में वेस को कैसे आप वेस में कैसे डुप्लीकेट वेस कॉपी ओएनपी को सेंड कर सकते हो। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप कॉमेंट कर सकते हो, आई विल रिप्लाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।